पढ़ा था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर करना है, और कौन कौन सा सिस्टम आप जानते हैं। तो कौन कौन सिस्टम आप जानते हैं, तो पहला आप जानते हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर में। आप पहला सिस्टम कौन सा जानते हैं, आप जानते हैं कि सीजेस सिस्टम, दूसरा आप जानते हैं एफपीएस सिस्टम, तीसरा आप जानते हैं एसआई सिस्टम, और एक और एमकेएस जानते हैं। एमकेएस का ही जो बिग फॉर्म है, या जो एक और क्वांटिटीज को जोड़ करके फंडामेंटल क्वांटिटी सातों को जोड़कर फॉर्म है, दैट इज एसआई, तो एमकेएस सिस्टम। तो यहां पर तीन सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, इन सिस्टम के बारे में हम लोग को समझना है। तो आइए टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन गिवन क्वांटिटीज के पहले टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इंटू अनदर, कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम किसी क्वांटिटी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ये हम आपको सिखाते हैं। इसके पहले कुछ चीजें आपको जरा याद करनी पड़ेगी, उसको जरा याद दिलाएं और तब इस चीज को समझा दें। तो ध्यान देंगे, वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन यू, ये आपको हम पढ़ाए थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्यू को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट। तो व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, व्हाट इज यूनिट, एक एग्जांपल देके बताते हैं तो बात समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कोई लेंथ एल दैट इज 5 मीटर। तो आप देख रहे हैं यहां दो चीजें हैं, लेंथ क्वांटिटी हो गई और न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 5, यूनिट हो गई मीटर। इसका मतलब जो भी आपको लेंथ दी गई है, वह मीटर वाली यूनिट जो है, मीटर की जो लंबाई है वो 5 बार सम्मिलित है उसमें, इसका मतलब 5 मीटर लंबी चीज है। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा तो समझ में आ गया, क्यू इज इक्वल टू एनी का मतलब एन माने न्यूमेरिकल वैल्यू, यू माने यूनिट। अगर यूनिट बदल दें, यूनिट हम करते हैं सेंटीमीटर, तो आपको अनुभव है कि जब ये सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो कुल मिला के कितना आ गया आपका 500 सेंटीमीटर। यूनिट बदलने पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहां पर ये मामला सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने पर न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है। तो सो दैट इस एग्जांपल से आपको समझ आना चाहिए कि N1U1 बराबर N2U2 क्या मतलब हुआ, कि अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट U1 के बजाय U2 किसी दूसरे सिस्टम की यूनिट ले लेंगे, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगी, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो चलिए, इफ U1 बराबर M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C एंड U2 बराबर M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, यहां पर ध्यान देंगे कि अब पहले सिस्टम U1 वाला जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ यूनिट था, उसमें मास की यूनिट M1, लेंथ की यूनिट L1 और टाइम की यूनिट T1 थी। बाद में जो सिस्टम ऑफ यूनिट लिया गया उसमें मास की यूनिट M2, लेंथ की यूनिट L2 और टाइम की यूनिट T2 हो गई। आप देख रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम है तो डायमेंशन चेंज नहीं होता है, डायमेंशन हमेशा सेम रहता है। ABC मास की डायमेंशन A, लेंथ की डायमेंशन B और टाइम की डायमेंशन C, वो दोनों सेम ली गई है दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में। जब तक आप क्वांटिटी नहीं बदलेंगे तब तक डायमेंशन नहीं बदलेगा, आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में काम करिए। तो आपको ध्यान में आना चाहिए ये मामला। यहां पर जब हम पढ़ा रहे थे आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पहली यूनिट में, तो यहां एक चीज बताए भी थे कि अगर आपकी यूनिट U2 इज लेस देन U1 हो रही है, देन देखिए यहां पर मीटर से छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ले जाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, N2 इज ग्रेटर देन N1 आ जाएगा, ये आपको मैंने समझाया था उस समय। तो चलिए, ये चीज तो पहले की है। यहां पर मैंने कहा सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने पर मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट, टाइम की यूनिट बदल रही है, लेकिन चूंकि क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन ABC अगर है तो वो चेंज नहीं होगी जब तक कि आप क्वांटिटी नहीं चेंज करते हैं। यहां पर आपको फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है, यहां पर केवल सिस्टम ऑफ यूनिट बदल रहा है। तो चलिए ये रखा जाए, देन तो क्या आ जाएगा आपका N1
यू वन की जगह क्या आ गया, यू वन की जगह आ गया आपका एम वन एल वन टी वन की पावर ए बी और सी, ऐसे ही आ गया एन टू, और ये आ गया एम टू की पावर ए एल टू की पावर बी और टी टू की पावर सी। तो इसलिए एन टू बराबर क्या आ गया एन वन, और यहां पर ये डिवाइड में आ जाएगा, एन टू को रोक दिया, ये नीचे ले आ रहे हैं, तो क्या आ गया ये एम वन बाई एम टू की पावर एम वन बाई एम टू की पावर ए एल वन बाई एल टू की पावर बी और टी वन बाई टी टू की पावर सी। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया जिसकी मदद से हम लोग टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर कर पाएंगे समझ पाएंगे। तो आइए देखें इस फार्मूले का यूज करके हम कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो पहला एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं मैं, कन्वर्ट वन न्यूटन डॉट 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 इन डाइन, न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट कीजिए। तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन एक शॉर्टकट नेम है किस चीज का, केजी मीटर पर सेकंड का, केजी मीटर पर सेकंड जो होता है उसी को हम न्यूटन कहते हैं। और डाइन सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो गई, फोर्स की ही यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में हो गई। और डाइन का मतलब, डाइन जो है वो किस चीज का एब्रिविएशन है, दैट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए यहां पर इसको देखने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि एन वन क्या है, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी, वन थी, इसमें मास की यूनिट एम वन क्या है केजी, लेंथ की यूनिट क्या है एम के सिस्टम है तो मीटर, टाइम की यूनिट क्या है टी वन कितना है, टी वन यहां पर सेकंड है, ये एम के सिस्टम है। और एन टू क्या है, आप कन्वर्ट करना है, यही इनको निकालना है, एन टू निकालना है, एम टू कितना है सीजीएस में करना है ग्राम, एल टू इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर, और टाइम तो टी टू जो है वो सेकंड ही रहेगा। तो केजी मीटर पर सेकंड से अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड वाले सिस्टम में ले जाना है, न्यूटन से डाइन में ले जाना है, और फोर्स की डायमेंशन हमको आनी चाहिए, जिस चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी डायमेंशन आनी चाहिए। डायमेंशन क्या होती है भाई, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन है। तो अब चलिए इस फॉर्मूले को यूज करके हम एन टू निकालना चाह रहे हैं, एन टू निकाले कि हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इन टू अनदर। तो वी नो दैट एन टू बराबर होता है एन वन एम वन बाई एम टू की पावर ए एल वन बाई एल टू की पावर बी और टी वन बाई टी टू की पावर सी अब आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और एन टू निकालें। एन वन कितना है, एन वन देख रहे हैं आप वन है, एम वन कितना है भाई केजी है, एम टू कितना है, एम टू आपका ग्राम है, और इसकी पावर कितना होगी तो आप जान रहे हैं फोर्स की डायमेंशन में एम की पावर वन एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू, इसकी पावर जो है वन है, ए की वैल्यू वन आ गई। एल टू एल वन कितना है, एल वन है आपका मीटर में था पहले, बाद में किसमें जा रहा है सेंटीमीटर में, और लेंथ की पावर कितना होती है, लेंथ की डायमेंशन कितना होती है, दैट इज ऑल्सो वन, और ये तो सेकेंड है और बाद में भी सेकेंड रहेगा, इसकी पावर माइनस टू। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, यहां पर M1, M2, L1, L2, T1, T2 सबकी वैल्यू मैंने रख दी और सबकी डायमेंशन रख दी, मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन माइनस 2। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। और N2 हमको निकालना है द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, तो यहां 1 आ गया, केजी को अगर हम ग्राम में करेंगे तो 10^3 1000 होता है, ध्यान रखिएगा ग्राम, ये 1 आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे 10^2 100 सेंटीमीटर होता है 10^2, अब ये सेंटीमीटर में हो गया और ये आपका सेकंड है, ये भी आपका सेकंड है, इसकी पावर माइनस टू। अब आप देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो यहां पे आ गया ये वन, और अब ग्राम ग्राम कट गया 10^3 और उसकी पूरे की पावर वन, पावर के ऊपर भी पावर मल्टीप्लाई होता है, तीन में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तीन ही आएगा, तो कुल मिला के कितना आ गया 10^3। अगले ब्रैकेट देखिए 10^2 है, उसकी पावर 1 है, पावर का मल्टीप्लाई करेंगे
टू और वन, फिर वन टू ही आएगा, कुल मिला के 10^2 आ गया, और यहां सेकंड सेकंड कटने के बाद वन आ गया, वन की पावर चाहे जो रहे कुल मिला के वन ही रहता है। तो कुल मिला के एन टू की वैल्यू कितना आ गई, एन टू कितना आ गया, ये वन वन तो है ही, मतलब ही नहीं है, पावर जुड़ जाती है अगर बेस सेम होता है, तो 10^5 आ गया। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू एन वन वन पता था, तो एन टू 10^5 आ गया। हेंस वन न्यूटन, अब यहां यूनिट मत लगाइए, ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली आपने, वन न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन, दैट्स द कन्वर्जन ऑफ न्यूटन, कन्वर्जन ऑफ वन न्यूटन इनटू डाइन। तो आपने देखा कि एमके सिस्टम से मैंने कैसे इसको सीजस सिस्टम में कन्वर्ट किया। ये डायमेंशन का आपका सेकंड यूज है।